महिला के हंगामे की ये तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। हंगामा कर रही महिला के पिता बीएचयू में भर्ती थे। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उसके पिता की जान चली गई, जिसके बाद इस महिला ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। भले इस महिला के पिता कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बनी। कोरोना काल में यूपी के कई अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के चलते कोहराम मचा हुआ है। वाराणसी में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए आज खुद पीएम मोदी ने नेताओं अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, लेकिन इस बैठक के बाद कोई भी नेता या अधिकारी कोरोना से बदहाली पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। सर के समस्या के बारे में अवगत कराएं, फिर आगे ठीक करें। जो कमियां हैं उस पर बात हुई क्या? रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। क्या कहे अधिकारियों को, क्या निर्देश दिया जिस तरह से? हमारा कोई निर्देश नहीं, अधिकारी बताएंगे। कोरोना के इस संकट काल में यूपी में समस्या सिर्फ मरीजों के इलाज की नहीं, लक्षण वाले लोगों को भी कोरोना टेस्ट कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में पिछले 10 दिनों से प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग रुकी हुई है। सरकार दलील दे रही है कि प्राइवेट लैब्स ने पुरानी रिपोर्ट को ही यूपी सरकार की कोविड-19 साइट पर अपलोड नहीं किया है, इसलिए लैब्स को नोटिस देकर जांच के लिए रोका गया है। उधर सरकार ये भी दावा कर रही है कि लखनऊ समेत तमाम बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी है, जिससे मरीजों का इलाज आसान होगा। इसे ये बढ़ा उस तेजी से हमारे जो बेड्स की व्यवस्था जो पिछले साल के केसेस के मुताबिक था, जो पर्याप्त माना जाता था, वो इस साल पर्याप्त नहीं हुआ। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी तेजी से इसको बढ़ावा देने के लिए PGI KGMU का भी पूरा लगभग पूरा उसको टेकआउट करने के लिए बात हो गई, उसको चेंज परिवर्तन करके कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए RML और बलरामपुर हॉस्पिटल जो पूरी तरह से 350 का होने जा रहा है, वो काम चल रहा है उस पर, और इस तरह करके सभी निजी और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को टेक ओवर करके उनमें व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4-5 दिन से ही निर्देश दिया है, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए यूपी सरकार ने आज एक दिन का लॉकडाउन लगाया, जिसमें शहर शहर बाजारों को सैनिटाइज किया गया। लखनऊ में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति इस वक्त कोरोना की है, और आज लखनऊ में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन शुरू किया गया है। 1090 चौराहा है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो सैनिटाइजेशन के कंटेनर हैं वो लाए गए हैं, और लखनऊ का नगर निगम, लखनऊ का नगर प्रशासन आज पूरे शहर को सैनिटाइज करने में जुटा है। हालांकि सरकार की इन कोशिशों के बीच प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीज और मृतकों का आंकड़ा डराने लगा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैंसाकुंड से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई है, और ये लोगों के शव हैं, और ये पूरा इलाका अब शमशान में तब्दील होता जा रहा है। ये रिवर फ्रंट है, और रिवर फ्रंट के किनारे किनारे आप देखिए लकड़ियां सजाई गई हैं, और जो भैंसाकुंड जो कि शमशान घाट है उससे आधे किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक अलग अलग जगहों पर ये लकड़ियां लगातार लाई जा रही हैं, क्योंकि मरने वालों का ये आंकड़ा है। सरकार इसी कोशिश में है कि किसी भी तरह कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर अब ब्रेक लगाया जाए, ताकि लोगों की जिंदगियां बच सकें।